सो फाइनल गाइस, जिस तरह आप लोगों ने पठान की मदद करते हुए टाइगर को देखा था पठान मूवी में, उसी तरह अब हमें देखने को मिलेगा पठान टाइगर की मदद करने के लिए जंग आए। तो फाइनली बहुत ही बिगेस्ट अपडेट हमारे सामने निकल कर आ चुकी है कि आप लोगों को पता है कि टाइगर 3 जो कि सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म है, इसी साल इसी साल दिवाली के शुभ अवसर पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से रेडी है और इस मूवी की शूटिंग भी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है जंग आए। लेकिन हमारे सामने अब बिगेस्ट अपडेट निकल कर सामने आए कि शाहरुख खान का भी आप लोगों को पता है कि इस मूवी में धमाकेदार कैमियो है और अभी तक शाहरुख खान ने कोई भी इस मूवी की शूटिंग नहीं की है जंग आए। तो अभी फाइनली तौर पर शाहरुख खान पठान के रूप में टाइगर 3 की मदद करने के लिए अप्रैल के महीने में जाएंगे जंग आए। अब होगा टाइगर और पठान का मिलन अप्रैल के महीने में जंग आए। अप्रैल के 10 अप्रैल जो कि ये अभी अप्रैल आने वाला गाय, अप्रैल के महीने में अब शाहरुख खान सलमान खान के टाइगर 3 की शूटिंग करने के लिए पूरी तरह से व्यस्त हो जाएंगे, उनके साथ चले जाएंगे और बहुत ही बड़ा भयंकर बहुत ही बवाल क्लाइमैक्स सीन शूट होगा इन दोनों के बीच। देखना दिलचस्प होगा अब ये क्लाइमैक्स सीन जो होगा कैसा होगा, क्या होगा इस क्लाइमैक्स सीन में जो कि फाड़ू लेवल का होगा जंग गाइस। अभी इस मूवी की शूटिंग भी अप्रैल के महीने में शाहरुख खान और सलमान खान के साथ टाइगर 3 की बहुत ही बॉन्डिंग की तरह से क्रिएट की जाएगी। जिस तरह से इन दोनों की बॉन्डिंग हमें पठान मूवी में देखने को मिली थी वैसे ही टाइगर 3 में भी देखने को मिलेगी और एक्शन सीन के जरिए देखने को मिलेगी जंग आई। वो केवल 10 से 20 मिनट का कैमियो रोल होगा जैसे कि पठान मूवी में टाइगर का था, वैसे ही टाइगर 3 में पठान का रोल होगा जंग आए। तो दोनों का मिलन होने जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, जब इन दोनों का टाइगर 3 में मिलन होगा कितने बड़े बम फूटेंगे, कितना बड़ा रिकॉर्ड टूटेगा, कितने बड़े तहस नहस होंगे जंग आए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, क्या टाइगर 3 रिकॉर्ड तोड़ेगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बस मिलती है।